हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीवीआईपी लर्निंग। एक्सरसाइज 2.1 मैंने आपको पिछले टाइम कराई थी। एक्सरसाइज 2.2, जैसा कि आप देख रहे हो, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का हमें जीरोस फाइंड करने, तो जीरोस पहले तो हम जीरोस फाइंड करते हैं, फिर लिखा एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट। तो रिलेशन को वेरीफाई बाद में करेंगे, पहले हम जीरोस निकालते हैं, क्या प्रोसेस है। ठीक है, इस क्वेश्चन का एग्जाम्पल लेंगे, मतलब इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कराएंगे, हम सारी चीजें इसी क्वेश्चन को लेके समझा देंगे, क्या है क्या नहीं है, किस तरीके से वेरीफाई करना है, टोटल फॉर्मूले भी मैं अभी लिखा दूंगा। ठीक है, अभी मैंने इससे पहले नहीं लिखा है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। ओके, बुक को थोड़ा साइड में रख देते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हमें जीरोज फाइंड करने हैं, करेक्ट। तो ये है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8। तो जीरोज फाइंड करने का तरीका होता है वही, मिडिल स्प्लिटिंग लगाएंगे, माइनस फिर ऐसे करेंगे, फिर मैंने एक अलग वीडियो बनाई है फैक्टराइज के लिए। अब देखिए इसके साथ क्या है, कुछ भी नहीं है, तो 1 मान लीजिए। अब तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जनरल फॉर्म क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, यही तो होती है। कई बार इसका इसका मल्टीप्लाई करें तो 1 का 8 के साथ होगा तो 8 आएगा। ये क्या लिखा है, माइनस। यदि यह माइनस लिखा है तो माइनस करने पर लाना होता है, एक्स के साथ जो लिखा है वो लाना होता है। दोबारा समझाता हूँ, यह माइनस लिखा है तो माइनस करने पे ये चीज लानी है, यदि यह प्लस लिखा है तो प्लस करने पे ये चीज लानी है। रिपीट कर रहा हूँ, यह माइनस है तो माइनस करने पे ये चीज लानी है। तो मल्टीप्लाई करने पर तो 8 लाना, माइनस करने पर 2 लाना। इस तरीके से हमें इस डब्बे में चीजें लिखनी है, क्लियर, या ब्रैकेट में लिखनी है। तो देखिए आप फैक्टर कर लीजिए, आप वैसे नॉर्मल सी बात है, इतनी बड़ी क्लास में आ चुके हैं, आता होगा 4 माइनस 2। 4 में से 2 माइनस करें कितना आएगा, 2 आएगा, तो माइनस करने पे 2 आएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 4 2 जाए तो 8 आ रहा है, क्लियर है। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस और माइनस प्लस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इधर कॉमन ले लीजिए आप x, तो यहाँ आएगा x माइनस 4। नेक्स्ट ब्रैकेट में प्लस 2 कॉमन ले ली तो आएगा x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 4 एक ब्रैकेट में, देखिए सेम चीजें होती है, एक साथ लिख लेते हैं। और नेक्स्ट ब्रैकेट में x प्लस 2 इजकल्स टू 0, तो x माइनस 4 इजकल्स टू 0 कॉमा एक्स प्लस 2 इजकल्स टू 0। ये सोचने वाली बात है, ये फर्स्ट टाइम आप ऐसा कर रहे हैं कि हम कोई भी जीरोस फाइंड करते हैं, तो जीरोस फाइंड करके जैसे कि ये हमने ऐसे कर लिए, इस इतना तो आपने क्लास 9 में फैक्टराइज किए थे। अब इस चीज को भी जीरो के साथ लिख देंगे तो x माइनस 4 इजकल्स टू 0, और ये जो सेकेंड फैक्टर आया इसको भी जीरो के साथ लिख देंगे इजकल्स टू 0। ठीक है, तो x इजिकल्स टू 4 आ गया इधर जाएगा तो, और एक x इजिकल्स टू माइनस का 2। ये x की दो वैल्यू आ गई, x की क्या आ गई, दो वैल्यू आ गई। ये पहला हमारा खत्म हो गया। अब x की वैल्यू कोई तो जीरो उस कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल में दो x की वैल्यू निकलती है, कोई क्वाड्रेटिक, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है। अब ये इन्हीं को जीरो उस कहते हैं, तो इसको मान लीजिए अल्फा, अल्फा इजिकल्स टू 4, ये बीटा इजिकल्स टू माइनस 2। इसको अल्फा कह लीजिए, इसको बीटा कह लीजिए, कोई दिक्कत तो है नहीं। ठीक है, अल्फा हमने एक जीरो उसको अल्फा कहा, वो अल्फा कितना आया 4, और एक जीरो उसको दूसरे वाले का बीटा जो कि आया माइनस का 2। ये तो क्लियर हो गया, हमने आपको बोला था। अब आगे का पढ़ते हैं, वेरीफाई द रिलेशन, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरो एंड, वेरीफाई करते हैं रिलेशन को। अब यही चीज समझने की, ये फर्स्ट टाइम है, ठीक है, अच्छे से देखना वेरीफाई। तो पहले मैं एक फॉर्मूला लिख देता हूँ, एक फॉर्मूला होता है, देखो जनरल फॉर्म आप जानते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्लियर है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्लियर है यहां तक, कोई डाउट। इसका यदि हम इस इक्वेशन के कितने जीरो आएंगे, 2 आएंगे, सारी चीज बता चुका हूँ, बार बार बताने की जरूरत नहीं है, ए बी सी आदि रियल नंबर सब लिखा चुका हूँ। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, इसके जीरो आएंगे 2, या इसके एक्स की वैल्यू 2 आएंगे, जैसे कि ऊपर निकाला ऐसे ये फॉर्म है। तो हम इनके जीरोज का सम निकालें, जो एक्स की दो वैल्यू आई है उनका सम निकालें, जैसे इसको सम इन दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा, 4 प्लस माइनस के 2, तो प्लस का 2 हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़िए 2 ही आएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 2 आएगा। ऐसे ही किसी भी जीरो को हम इतना सम निकाले बिना, यदि हम सीधा उसका सम निकालना चाहे तो कैसे निकालेंगे, तो सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ये प्रॉपर्टी, माइनस बी अपॉन, ये एक फॉर्मूला होता है आप कह सकते हैं रिलेशन को वेरीफाई करने के लिए। माइनस बी अपॉन बी क्या है, बी है एक्स का, एक्स के साथ वाला, एक्स के साथ वाले का मतलब है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स के जो साथ में है, तो हम लिखेंगे माइनस तो फॉर्मूले में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, नीचे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के साथ ही, तो ये क्या है एक्स स्क्वायर के साथ वाला, और बी क्या है एक्स के साथ वाला, माइनस फॉर्मूले में ये सी है। ठीक है, अब आ गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जीरोस का प्रोडक्ट, इसको कहते हैं हम सी अपॉन ए,
सी होता है कांस्टेंट टर्म, देखो इसके साथ एक्स नहीं है, कांस्टेंट टर्म अपॉन ए तो आप जानते हैं एक्स स्क्वायर के साथ वाला, तो इसको कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इतना ये समझ लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हमने आपको जैसे कि बताया, हमने जीरोस तो निकाली, ये थोड़ा फॉर्मूले वाली चीज है, ये आपको क्वेश्चन में नहीं करनी, मैं एक एग्जांपल देके ये समझाना चाहता इसलिए एग्जांपल लिया बुक का। अब देखिए इसमें क्या बोला, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट, जीरोस और कोएफिशिएंट का जीरोस को रिलेशन को वेरीफाई करना है। तो देखिए आगे, अब वेरीफाई का मतलब क्या होता है, तो हमने अभी दो जीरोस निकाले, एक अल्फा निकाला प्लस बीटा और सम ऑफ जीरोस, यही तो हमने लिखा है सम ऑफ जीरोस। देखो आप, सम ऑफ जीरोस का यही मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा, मतलब हम इक्वेशन के कोई भी दो जीरोस मान चुके हैं तो वो अल्फा हमारे सम ऑफ जीरोस क्या है, एक अल्फा एक बीटा, ठीक है, तो माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा, क्लियर है। तब हाँ, यहाँ ये इस ऊपर लिख लेते हैं सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, क्लियर है, इसके जीरो से एक अल्फा एक बीटा। अच्छा अब एग्जैक्ट जो हमारे जीरोस निकले वो लिख लेते हैं, तो देखिए क्या, एक अल्फा हमने क्या मान लिया, एक्स को क्या मान लिया फोर, और बीटा मतलब क्या मान लिया एक्स को माइनस टू, तो यह लिखेंगे फोर प्लस माइनस का टू, क्लियर है, माइनस अब बी, अब देखो इक्वेशन पे आ जाओ, रियल इक्वेशन पे, माइनस बी क्या है, बी हमने बोला था एक्स के साथ वाला, तो एक्स के साथ क्या है माइनस का टू, विद साइन लेते हैं माइनस का टू, तो यहां लिखेंगे माइनस का टू। देखो वो देखो माइनस तो फॉर्मूले है, लेकिन बी क्या है, बी एग्जैक्ट माइनस टू है अपॉन ए, तो आप ए देखेंगे तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या है एक्स, ए क्या बोला था हमने कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर के साथ वाला, यहाँ क्या कुछ नहीं है वन है, तो हम यहाँ लिख देंगे वन, ठीक है, तो ये हो गया फोर माइनस से टू गया तो टू बचा, और यहाँ माइनस माइनस प्लस टू, तो मतलब हमने इस तरीके से सम निकाला, और एक हम दोनों जीरोस को जोड़ के निकाला, एक हमने क्या कहते हैं जो इक्वेशन दे रखी है उसी से निकाला माइनस बी अपॉन ए लगा के, दोनों का सम सेम निकला, मतलब यहाँ जीरोस का सम और यहाँ हमने जीरोस को निकाल के तब ऐड किया तो दोनों चीजें सेम आई, तो यही हमें वेरीफाई करना था सम ऑफ जीरोस। अब हमें ये वेरीफाई करना प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्लियर है, इसको कहेंगे सी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा ये तो बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी अपॉन ए, अल्फा कितना है पहले ही बता चुका हूँ, अल्फा कितना चार है यहाँ लिख लीजिए चार, बीटा कितना है माइनस का टू तो माइनस का टू, सी कितना है कांस्टेंट टर्म, ये इक्वेशन ला जाइए कांस्टेंट टर्म आपका कितना है लास्ट वाला, ये तो कांस्टेंट टर्म होता है, ध्यान करो इक्वेशन, देखो मैंने ये लिखी है तो आप ये चीज ध्यान रखिए, तो ये आपका कितना है माइनस का एट, कितना है माइनस का एट, तो आप यहाँ लिखिए माइनस का एट अपॉन ए कितना है आप जानते हैं वन है फोर, तो ये माइनस का एट, यहाँ भी माइनस का एट, तो हमने ये रिलेशन को वेरीफाई कर दिया कि हाँ देखो हमने सम ऑफ जीरोस किया और माइनस बी अपॉन ए निकाला, ऐसे सम ऑफ जीरोस निकालो या तो जोड़ के या इस तरीके से, दोनों सेम आते हैं, ऐसी प्रोडक्ट हमने अल्फा बीटा किया उसका मल्टीप्लाई किया तब भी वही आया, और इक्वेशन से हमने सीधा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना चाहे तब भी सही है, तो हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड। क्वेश्चन समझ में आया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यदि अच्छे समझ में आए, वीडियो को शेयर कीजिए, और आपको कोई प्रॉब्लम है कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में लिखिए, सर ये समझ में नहीं, ओके बाय।